शांति, ओम शांति, ओम शांति। दादी सारे छोटे बड़े काम खुद करती थी, क्योंकि हम और गिरजा बहन, दो बहनें दादी के पास थी। हम दोनों चाय नहीं पीते थे, कभी बचपन से नहीं पिया। तो दादी कहती थी कि तुम लोग अपना और कोई काम करो, चाय तो मैं बना लूँगी, मुझे पीना है, मेरे लिए तुम्हें क्या इंतज़ार नहीं करना है कि दादी कब चाय पिएगी तो मैं चाय बना के दूँ। तो मुझे जब पीना होगा मैं कर लूँगी, इसके लिए तुम लोग अपना टाइम बर्बाद नहीं करो, चाहे रेस्ट करो, चाहे किताब पढ़ो, चाहे योग लगाओ, कुछ भी करो, लेकिन मेरी चाय का इंतज़ार मत करो। और यहाँ तक कि अगर कोई सेवा केंद्र की टीचर बहन आ जाती थी तो दादी अपनी भी चाय बना लेती थी, उसकी भी बनाती थी, और उसको कमरे तक चाय पहुँचा के आती थी। मना इतनी तो निरहंकारी थी कि छोटी बहन है तो भी उसको कमरे में दे आती थी चाय। तो दादी को बहुत था, अगर कोई काम हम कर रहे हैं तो कहती थी देखो तुम इतना कर रही हो तो मैं बर्तन ही धो लेती हूँ, ये तो मैं कर सकती हूँ ना, मैं गमलों को तो दे सकती हूँ ना, मैं पोछा लगा सकती हूँ। तो ऐसे ऐसे काम दादी, जैसे मैं बाहर भी निकलूँ तो जब मैं लौट के आऊँ तो दादी करके रखते थे, कहते थे नहीं। और अगर मेरी तबीयत कभी ख़राब हो जाए, बुखार वगैरह हो, तो दादी कहती थी देखो तुम रेस्ट कर लो, क्योंकि प्यार भी बहुत था, तुम रेस्ट करो और तुम्हारे बदले मैं दोनों योग लगा लूँगी अमृत वेले का, क्योंकि तुम्हें दिन भर फिर भटकना है, क्योंकि फील्ड की भी सेवा मुझे करनी होती थी। तो दादी कहे तुमको योग नहीं लगाना, तो हम कहते थे आप कैसी दादी हैं कि हम योग ना लगाएं, आप मेरा योग लगा लेंगी। कहती नहीं नहीं, तुम्हें आराम मिल जाएगा तो तुम दिन में बहुत काम करेंगी। तो ऐसे करके दादी बहुत प्यार से, बहुत उससे, हर एक के साथ उनका बहुत प्रेम व्यवहार रहता था।